खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। भाई आज का विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये पूरा देश का विषय है, हर उस नागरिक का विषय है जो भारत देश से जुड़ा है, उसकी संस्कृति से जुड़ा है, उसके हाव भाव से जुड़ा है और उसकी फीलिंग से जुड़ा है। क्योंकि आज अपना देश पीछे किस वजह से है, अपना देश में तो कमाया करना और कोई लेजन लग रहा है, और अपना देश है जो गरीब लोग हैं जिसका उन्नति न्यू था भाई, इसका सारा टाइम पास हो जाएगा। इब आज जो वीडियो बनावा हाँ आप पाछे देख सको किस बेस पर बनावा। आज का विषय अपना है कि भाई जो चाइनीज माल है उसको क्यों खरीदा हाँ आप, मैं उन ते मिलवाऊंगा जो यू काम करे हैं, मटके बनावे हैं, दीवे बनावे हैं और जितने भी मिट्टी के बर्तन बनावे हैं उनते। भाई पहला उनका लग के सांग था, आज के हो रहा है इन सारी बातें पापा भाई तो बताओ। आज भाई जी एक बार आइयो। राम राम भाई। राम राम जी। तो नाम बताइयो जी। शमशेर सिंह जी। शमशेर सिंह गाँव बड़ौदा। बड़ौदा जी। हाँ जी। तो शमशेर मैं पूछना चाहूँगा कि जो यू काम था पहला करे करते आपके बाप दादा करते होंगे, क्योंकि पुछता नहीं धंधा है यू, तो पहला किसा था यू सिस्टम ये जी? पहले हमारा काम है दादा लाई काम है, पुराना काम है बुजगर दे रुको भाई, हमारे बुजगर बनाया करते तो हमारा माल सारा ही उठा करता। अब चाइनिंग ये सौदा आ गया जी, आने कारण हमारे बच्चे भूखे मरण का काम हो गया, भूखे हमारा माल बिकता नहीं टाइम पे हैं। जैसे मटके हैं, मटकिया की जगह आर ओ आ गई, आर ओ का पानी यूज ला के करण लोग बाग, तो हमारे मटके नहीं खरीदारी होती, तो हमारे यहीं धरे रहते हैं और जे बड़ी परेशानी होती है। और हम इससे मतलब सरकार लोग आए थे जी, रिक्वेस्ट अपनी लोग आता है, किसी सरकार तो नहीं भाई, सरकार तो किसी बारे में सोचे नहीं रही है देखा तो, क्यों सरकार के पास में तो बहुत सारे पहला बहुत मुद्दे पड़े हैं उनकी कौन है, लेकिन जो यू मैटर है जो इस कौम को बचाने का है या देश को बचाने का मामला है नहीं, यू मामला है आम जनता का, जितनी भी प्रार्थना है सारी आम जनता का है भाई। नहीं हमारे खान बोन की जमीन है जी है, और हम अपना मतलब बच्चे जैसा भी पालते हैं, हम मटके के द्वारा ही पालते हैं, ये मटके हमारे खरीदारी में। पहला कितने सारे चुगे आपके दिवाली के ऊपर काम में चलाई जी? पहले तो जी हम जितना भी बना बना के थक जाया करते हैं वो सारा ही माल मतलब क्या करता हमारा, हाँ। अच्छी तरह मतलब परिवरिश हो जाती है हमारी, और तो अब जी ये माल ये चेंजिंग हुआ है, हाँ ये आने में आने के कारण हमारे यहीं के यहीं सामान रखा रहता है और जो बच्चे नहीं पढ़ते हमारे। तो इसमें नुकसान जो आप पकाओ इसमें नुकसान नुकसान कितना हो जाए एक बार मैं कहूँगा, तो एक बार दिखा दीजिए नुकसान समझे भाई। आप देखो कितनी परेशानियों का सामना करके ना इनकी वो करना पड़ा है, उली साइड आज दिखा दिया कोई दिक्कत नहीं हो रही था, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है देखो, ये सारा का सारा है ये सब खराब हो गया है, लेकिन जो सही माल है वो भी सप्लाई नहीं होने लग रहा है क्योंकि ये जो बना हुए हैं सारे के सारे लोग उस दिन नहीं खरीदते और चाइनीज माल पर लोगों का पूरा फोकस हो गया है। हाँ जी। इस वजह से इस कौम को आप देखो, मैंने जो कुमार कौम है प्रजापत कौम है एक बहुत बड़ी कौम मानी जाए करती, बहुत अच्छा इनका काम था क्योंकि हर घर में इनके मटके हुए कर दें, हर घर में इनके दीवे हुए कर दें, जो भी मिट्टी के बर्तन हैं वो सारे के सारे इनके हुए कर दें, घर जो कढ़ोनी है बलियोनी है दूध का चकती तो प्रजापति पहले मरण जीण में प्रजापति रहा करता जी आगे, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ शादी में भी प्रजापति याद रहा करता, तो जी अब कोई भी सामान नहीं हमारा खरीदारी में आता तो नाकाबंदी हो रही है। तो आप देखो इनकी मेहनत देख लो यार, किसी मशीन में नहीं है यू, तो यू प्रोसेस के है मैंने किस तरह आप शुरू में भट्टी लगाओ हुई थी? हाँ वही तो जी, ये भट्टी जी हम गोसा मोल लेते हैं, हैं तो महंगा मिलता है और जी गोसा लगाते हैं कई बार भट्टी खराब हो जाती है, वैसे की वैसे ही रह जाती है। मिट्टी कैसे? अच्छा मिट्टी सर हमारे पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी की बड़ी प्रॉब्लम है और मिट्टी नहीं पा रही, हम कहीं दूसरे गाँव से लेते हैं तो मना कर देते हैं, गांव में मिट्टी है जमींदार नहीं भरने देता, तो वो भी परेशानी है भाई। हाँ जी। तो एक बार दिखा दे कड़ा, तो ये उरा तो आपकी भट्टी हो गया। हाँ या, या ये तो आपकी भट्टी है, एक बार चला जाओ एक बार भीतर दिखा दे भाई, मैं कहूंगा देख कोई बड़े महल नहीं है इनका भाई, ऐसा कुछ है बस नहीं देख लो आप, ऐसा सिस्टम है, ये औजार है भाई, ये इनके भाई ये देखो भाई ये किस तरह का मटके बना रखे हैं इबे तो, लेकिन भट्टी में भी लगाने हैं और इसकी शायद और भी अभी पिटाई होगी, तली बनेगी इनकी, पिटाई होगी तली बनेगी, तली बनेगी जी अब ठीक। ये साइड का करोड़ और इनका ये पका दिए हैं? हाँ ये पका दिए सर। तो भाई अब की बार है नहीं, मैं सभी तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई इनकी रोजी रोटी की खातर इनके बच्चों के लिए इस बात का ध्यान रखियो कि अब की बार जितने भी हैं बनावें सारे के सारे इनके बिक जाने चाहिए यार, कोई भी भाई चाइनीज माल इस्तेमाल नहीं करेगा, खरीदारी होनी चाहिए ठीक है, इनकी सबकी खरीदारी होनी चाहिए और इनके साथ में ज्यादा मोल भाव ना करे करो यार, क्योंकि
आप इनकी मेहनत न देखोगे ना, इनका बहुत ही कम रेट हुआ है, बहुत कम रेट हुआ है। वैसे रेट क्या रखोगे जी इनका? ये तो जी 30 रुपये के सौ जी, 30 रुपये के सौ। भाई साहब इतनी सस्ता 30 रुपये में सौ, सौ दीवे 30 रुपये में, ऐसा इतना सस्ता माल लेते जी तो तब भी उसमें मोल भाव कर ले। फिर भी कम बत्ती कर दें भाई, मैं इतना ना ले इतना ले भाई, इससे सस्ता मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी मेहनत ने देखा है तो एक दीवा पे भी बहुत मेहनत लगा है, ठीक है ना? कितनी देर में? बहुत देर लग जाए इनमें। तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, जितने मेरे देखने वाले हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि यह सारा कुछ जावे। और जितने मेरे यूट्यूबर भाई हैं, मैं सब तक कहूँगा कि आप राजनीति तो अटके ना, राजनीति का जो वीडियो आप बना लियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इन गरीब लोगों की है, जो निचदरा तल पर काम करने वाले लोग हैं, इनकी भी वीडियो आप बनाओ, ताकि लोगों का समझ में आवे कि इनकी भी खरीदारी होनी चाहिए, इनका भी बेचारा का दिन खुशी तक बीत जाए, रात खुशी तक बीत जाए, दो टाइम की रोटी सुथरी डाल देती मिल जाए। तो जितने साथी हैं, इस बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दियो और वीडियो ने शेयर जरूर करोगे भाई। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।